सो गाइज वेलकम टू न्यू वीडियो एंड होप को तो आप लोग बड़े होंगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। एंड यस, आज वो घड़ी आ चुकी है जो कि सदियों पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। इवन इंस्टाग्राम पे भी आज मैंने पोल डाला था कि यस, हमको करना है एक शानदार 2.5K वाला बढ़िया सा एक गिव अवे। क्या बोला तूने? तो गाइज तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्यू एन ए पे आते हैं। बिकॉज ये बकवास तो हमारी स्ट्रीम्स पे भी चलती रहती है, व्लॉग्स पे भी चलती रहती है, तो मेन वीडियो पे फोकस करते हैं। सो लेट्स गो। चलो पहले पहला क्वेश्चन पहले हम पिक करते हैं। एंड गाइस सबसे पहले बता देता हूँ, सिर्फ सेंस वाले क्वेश्चन पिक किए जाएंगे, बिना सेंस वाले क्वेश्चन को हम निकाल देंगे। सो यस गाइस, तो पहला क्वेश्चन है, टेल योर टॉप 10 फ्रेंड्स एंड 5 टॉप सपोर्टर्स लव फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू सो मच वार ब्रोज फॉर योर लवली क्वेश्चन। बट एक्चुअली मैं आपको सच बता दूँ, मेरे टॉप 10 फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स कुछ 5 ही होंगे। आपने तब भी टॉप 10 पूछ लिया। एंड टॉप 5 सपोर्टर्स, अगर नेम लेना चाहिए तो आयुष भाई, पाठक भाई, सनिध्या भाई, पार्थ अग्रवाल भाई, अपने पीयूष भाई, देन बहुत है यार, मतलब नाम किस किस का लूँ, हीरो ब्राइन, देन लूसीफर भाई, एवरीवन, अखिल भाई, मतलब बहुत है यार। अब किस किस का नाम लूँगा, बंदे नाराज़ हो जाएंगे अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो। घर पे आके मारते यार, समझा करो, चल झूठा। देन अगला क्वेश्चन गाइस, भाई तुम बीमार क्यों हुए, माय क्वेश्चन से नितिन चंडोला। कोई सेंस है इस बात की? भाई मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? देखो भाई मैं बीमार जस्ट मेरे को खुद को नहीं पता मैं बीमार कैसे हुआ। पहली बात, मैं 1-1.5 साल बाद जाके बीमार हुआ एंड रीज़न मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं जब भी बीमार होता हूँ ना तो मेरा बुरा हाल हो जाता है, मेरे से सहन नहीं हो पाता, तो इसलिए स्ट्रीम तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो भाई यार इस क्वेश्चन का यही जवाब दे सकता था। तो हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लूसीफर, भाई शादी कब करोगे? क्या बोला तूने? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आगे तो भाई 18 प्लस है भाई, मतलब यार गाइस मैंने क्वेश्चंस पूछा था, सेंसिबल क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, और ये आप क्या पूछ रहे हो, शादी कब करोगे? भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खौल उठता है। अबे Q&A कर रहा था ना बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अगला क्वेश्चन पिक करते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन पिक करते हैं। ओपी गेमर्स ने किया है क्वेश्चन, पूछा है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? कौन है ये लोग? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। गाइस मैंने आपका क्या बिगाड़ा यार, इतनी अच्छी ऑडियंस हो यार आप लोग, इतना सपोर्ट करते हो और ऐसे क्वेश्चन पूछोगे। हाँ गाइस मेरी टूथपेस्ट में भी नमक है, वो नहीं भी होता तो मम्मी वैसे भी, समझ रहे हो? तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो फेवरेट मूवी, कलर, फूड, एज, नेम, जीएफ हमको। भाई 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 गाइस रुको जरा, सबर करो एआरओपी। फेवरेट भाई मूवी लिखना था, तुमने मूव क्यों लिखा है मुझे ये बताओ। तो भाई ने पूछा है आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। सो आई थिंक सो मेरी फेवरेट मूवी अगर आज की बात की जाए तो शेरशाह, उसके अलावा यार हॉलीवुड मूवीज़, मैं बॉलीवुड मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ। सो जो बॉलीवुड में देखी है ना वो शेरशाह इज़ द बेस्ट, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है कलर, ब्रो मेरा फेवरेट कलर है रॉयल ब्लू, मैं कभी पहनता भी नहीं बट है भाई, अब मूव ऑन। नेक्स्ट है फूड। सो गाइस देखो यार, फूड की अगर मैं बात करूँ ना तो देखो मुझे कोई भी चीज़ कभी अच्छी लगी नहीं है। एंड या अगर पूछना ही चाहते हो कि सबसे अच्छा क्या लगता है तो भाई हिमाचली धाम फेवरेट है भाई। हाउस टूर, देखो भाई हाउस टूर मैं आपको अभी नहीं दे सकता क्योंकि एक्चुअली मैं हाउस, मेरा मेरे हाउस कभी खाली हुआ ही नहीं है क्योंकि मम्मा कभी घर पे होते हैं, कभी भैया घर पे होता है, कभी कोई घर पे होता है, कभी कोई घर पे होता है। सो या जब जिस दिन घर खाली होगा ना उस दिन मैं अकेले में टूर दे दूंगा, वैसे भी फैमिली रिवील नहीं करना ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल हाउस टूर मैं उस टाइम पर दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन डेली अपलोड ऑफ वीडियोस, ओके गाइस डेली अपलोड ऑफ वीडियोस का मैं एक ही क्वेश्चन देना जवाब देना चाहूँगा कि मैंने स्ट्रीमिंग इसीलिए स्टार्ट की थी, गेमिंग इसलिए स्टार्ट की थी जस्ट बिकॉज मैं घूम नहीं पा रहा था कहीं पर, ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। सो सिंपल इसलिए जब मेरा थोड़ा सा लॉकडाउन क्या मतलब थोड़ी सी सिचुएशन सही हो जाएगी, मेरे एग्जाम्स नहीं होंगे, मेरा स्कूल नहीं होगा उस टाइम पर, जब छुट्टियाँ वगैरह होंगी देन आई विल ब्लॉग।
देन गाइज अगला कमेंट है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे दोस्त विशाल का कमेंट है, इसको काउंट नहीं करते गाइज वरना मेरा चैनल बंद हो जाएगा यार। गाइज तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिरीष सुप्रतीक के द्वारा, क्या आप में जिगर है, जिगरा है भैया है यार, तो स्क्रॉल करने को लिखा है, लेट्स गाइज स्क्रॉल करते हैं। तो भाई ने स्क्रॉल करके क्या लिखा है पहले ये पढ़ लेते हैं। अगर है जिगरा तो दूसरे के खेत से मक्की चोरी करो और खुद पका के खाना पड़ेगा, कैसे भी पका सकते हो भाई। जहां अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं टाइम से सोता हूं, अक्टूबर चल रहा है ब्रो, ले रे बाबा उठा ले। कौन सी मक्की अक्टूबर तक रहती है ब्रो, क्या बात करते हो तुम। अगला आता है हीरो ब्राइन, हाउ डू यू मीट जतिन। ओके गाइज, मैं थैंक यू सो मच हीरो ब्राइन भाई फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम से इसका जवाब सबको देना था। सब लोग कह रहे थे कि भाई जतिन कौन है, जतिन से आप कैसे मिले, जतिन और आपका क्या रिलेशन है। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और जतिन मिले थे जब हम लोग स्कूल में थे, ठीक है। मैं उस टाइम पे होता था आई थिंक सो 7th में, एंड जतिन होता था उस टाइम पे 6th पे, नहीं मैं 6th में था, जतिन 5th में था, इतनी पुरानी बात है। सो या तब से जतिन सिंगिंग करता था, मैं पियानो प्ले करता था। सो या हमारी वहीं से फ्रेंडशिप हो गई, तो वो गाना गाता था, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक देता था, एंड हमारी लाइफ भी एकदम हसीन हो गई। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट आपको एक मतलब तरीका बता रहा हूँ। हम लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में गए हैं, हमने बहुत ज़्यादा फन किया है स्कूल में, हमने बहुत कॉम्पिटिशन, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन अनलिमिटेड मतलब याद तक नहीं इतने किए होंगे। एंड या तब से वो मेरा भाई बन गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जम्मू शिफ्ट हो गया, जस्ट बिकॉज उसका फैमिली का पापा का ट्रांसफ़र, एज यू नो आई एम ऑल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, जतिन इज ऑल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। बड़ा हरामी हो बेटा जतिन माई ब्रदर, दिल से लव यू मेरे भाई। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम बोल्ड साई, जल्दी ठीक हो जाना, थैंक यू सो मच ब्रदर, अब मैं ठीक हूँ, एंड या अब मैं स्ट्रीम भी कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड आपको तो आप लोग को मजा आया होगा। आपको ये बोलना चाहता हूँ यार, थैंक यू सो वेरी मच गाइज, 2.5 के वॉज नॉट एट ऑल ईजी, मतलब बहुत लंबा सफ़र, मैंने 10 to 15 व्यूज एंड 10 व्यूज से भी मैंने स्टार्ट किया है, 1 सब्सक्राइबर से भी मैंने स्टार्ट किया है, एंड आज अपनी 2500 के आसपास की फैमिली है। सो गाइज थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस लवली सपोर्ट, एंड या थैंक यू सो वेरी मच। एंड यार कुछ बंदों को मेरे ब्लॉग्स पसंद है, कुछ को मेरी गेमिंग पसंद है, सो मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग ना कॉम्प्रो कर लिया करो, अगर आपको मेरा कॉन्टेंट नहीं है पसंद सो देन आप मत देखो यार, क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता अपना कॉन्टेंट देखने के लिए। बाकी आप सब लोग बहुत सपोर्टिव हो, थैंक यू सो वेरी मच, एंड गाइस फिर मिलते हैं एक नई लाइव स्ट्रीम के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।